युसी को नहीं हड़घणारे श्रीमंदिर प्रशासन 18 वर्षर संपूर्ण युसी गत 10 तारीख सुधा दाखल करबा पई निर्देश थिला। प्रशासनिक अधिकारी माने युसी देबारे काहिंके करथिले विलंब। अतीतरे आसीथिबा अनुदान राशि संपूर्ण खर्च होइ पारि नथिला ना अर्थ राशि रे कोटि कोटि टंका हेरफेर होइछि ताकु नै उठिछि प्रश्न। सेपटे वर्ष वर्ष धरि युसी बाकिया थिले मध्य सरकारक तरफरु किभळे नुवा अनुदान प्रदान करा जाउथिला ताकु नै मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। सचिवालय स्तरीय बड़ बड़ अधिकारी माने श्रीमंदिर प्रशासन को प्रतिवर्ष कोटि कोटि टंका नुवा अनुदान राशि प्रदान करि मोटा अंकर कमिशन पाउ नथिले त ताकु नै मध्य आउ एक प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। ए बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी होती। आलोक, जो युसी को अधिकारी माने 18 वर्ष धरी दे रहे ताकु 10 तारीख दिन ये सब प्रदान करी ना नहीं? निहाती भाव में चिन्मयी युसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बा अर्थ विनियोग प्रमाणपत्र को नहीं हरड़घणारे श्रीमंदिर प्रशासन आप जानते 2003-04 आर्थिक वर्ष रु 2020-21 आर्थिक वर्ष पर्यंत जो विभिन्न अनुदान आसी श्रीमंदिर प्रशासन को यथा नवकलबर समय पर्याप्त परिमाण टंका आसी आप जानते सेवायत प्राप्य पाउना ठार आरंभ कर श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी प्राप्य पाउना और महाप्रभु को कोठभोग किसी टंका और श्रीमंदिर उन्नतिकरण किसी टंका आसी समस्त टंकार युसी दबा को 10 तारीख सुधा युसी दबा को कुहा जाई थिला किंतु 10 तारीख रे बोध हुए चिन्मयी युसी दाखल करा जाई पर नथिला सेथिपई पुनर्बार आज एक गुरुत्वपूर्ण बैठक मध्य अर्थ विभाग ओएसडी नेतृत्व में सचिवालय में अनुष्ठित हेबो। तो निश्चित भाव में युसी संपर्कित संपूर्ण तथ्य से माने दाखल करेंगे केते 142 कोटी टंका युसी से माने दाखल करिछंती कि नहीं केते टंका करेंगे केते टंका बाकी रही तमाम दिग उपर आज विस्तृत भाव वास्तविक भाव में आज जो बैठक बसिबो से बैठक में जड़े प्रशासनिक मंदिर प्रशासन जड़े उपयुक्त अधिकारी सेठे उपस्थित रही समस्त तथ्य प्रदान करिबे ना नहीं? निश्चित चिन्मयी जब श्रीमंदिर प्रशासन को चिट्ठी लिखी आईन विभाग अवगत करथिला श्रीमंदिर प्रशासन जन उपयुक्त अधिकारी आज बैठक में अंशग्रहण करके तमाम युसी विषय में विस्तृत तथ्य दाखल करेंगे आम आलोचना कर चिन्मयी आम सहित बरला अच्छा आज्ञा युसी बोध हुए दाखल कर पार नथिले 10 तारीख सुधा जहाँफल कि आज गुरुत्वपूर्ण बैठक आज युसी संपर्कित संपूर्ण विस्तृत तथ्य दाखल करेंगे आज अज्ञा देखो तो युसी को नहीं बारंबार आईन विभाग तरफ बैठक हो बारंबार चिट्ठी हो गत मास 29 तारीख में बैठक होता डिसेंबर 2 तारीख में चिट्ठी कर एक सप्ताह मध्य युसी दाखल करने मैंने युसी संपूर्ण दाखल कर नपरबार पुणी 8 तारीख में चिट्ठी करागला कहला 10 तारीख सुधा संपूर्ण युसी दाखल करूँ एवं आज बैठक में उपस्थित हाँ कहला बर्तमान ये प्रश्न उठू ये मैंने युसी दबार जेहतु गोटे विलंब कर संपूर्ण दे पार ना जो कि आईन विभाग तरफ बारंबार चिट्ठी करा 142 कोटी टंका युसी अनेक अर्थ टंका बर्त बोध हुए हेरफेर होती विलंब कहीं युसी दबार कर देखु इन्हें किसी कम एपट सेपट कर संपूर्ण कम करना पैसा हरिलुट कर जो कि दीर्घ 18 वर्ष धरी युसी आजीवन दबार असमर्थ होती तेणु ये अधिकारी मैंने जाशु कि चापिक रखी विभिन्न श्रीमंदिर प्रशासन को तो विभिन्न काम टंका युसी दे तो आज ऑडिट कर देखो 2014-15 आर्थिक वर्ष ठार् 21-22 आर्थिक वर्ष मध्य पखापाखि 135 कोटी टंकार युसी मैंने बाकी रखिंट 2003-04 14-15 तो युसी दिया जानो थिला ताले नुआ अनुदान केमते आसु थिला निश्चित चिन्मय एटा ही सबुठ बड़ प्रश्न जदि 2003-04 आर्थिक वर्ष 2020-21 पर्यंत युसी दि जा नाला नुआ अनुदान किभली आसुला दिलीप बाबू नुआ अनुदान किभली आसुला अर्थ विभाग किभली भाव में नुआ अनुदान दे चलुला आज्ञा देखो आमर सेक्रेटेरिएट र उच्चस्तरीय अधिकारी हूँ किंबा नेता मंत्री हूँ ये श्रीमंदिर प्रशासन को प्रत वर्ष कोटि कोटि टंका दे सेठू कमसीन पाते जो कि नुआ बिना युसी कोटि कोटि टंका नुआ अनुदान दौले युसी जदि मैंने दाखल करेंगे ना तो ऑडिट केमती हम यहाँ चिन्मय सब बड़ प्रश्न जदि मैंने युसी दाखल न करेंगे ऑडिट केमती करा जिवो माने जानी सुनी कि माने विलंब करुछंदी जेते विलंब करबे ऑडिट सेते विलंब होबो आपण आज भरोसा आछि कि जोटा 18 वर्ष भितरे दाखल करि पन्नाती आजर बैठक रे कोन उपयुक्त अधिकारी जो श्रीमंदिर प्रशासन आलोचना रे शामिल हेबे कोन तथ्य संपर्क देबे से माने जे दीर्घ 18 वर्ष लाडी माने देई परनुथिले
ଆଜି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 142 କୋଟିରେ ୟୁ ସି ଏମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ଆଲୋକ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଯେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁ ସି ବାବଦରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ